तो यार दोस्तों, बात करने वाले हैं आज के वीडियो में Realme UI 1.1 एंड 2.0 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड्राइड सपोर्ट चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो बात करें हम Realme UI 1.1 एंड 2.0 के अपडेट के बारे में। तो Realme UI 1.1 का अपडेट हमें हमारे फ़ोन में जल्द ही मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओप्पो का कलर OS 7.1 ओप्पो के फ़ोन में रिलीज कर दिया गया है, जो कि भी चाइना में रिलीज किया गया है। आप लोग इसके फीचर देख सकते हैं, जो कि भी चाइना लैंग्वेज में आप लोग पढ़ नहीं सकते। तो हम इसको भी कन्वर्ट करके दिखा देते हैं इंग्लिश में क्या कुछ फीचर्स होने वाले हैं। हालांकि पूरी तरह से कन्वर्ट तो नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ हद तक कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप समझ सकते हैं अपने फ़ोन में। तो हम इसको कन्वर्ट करके देखे थे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम इसके पूरे फीचर्स के बारे में। जब पूरा फीचर्स को कन्वर्ट किए थे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पेज वाला जो दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर कुछ फीचर यहाँ पर दिखा रहे हैं कन्वर्ट करके, जो कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देंगे, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं इसमें क्या कुछ होने वाला है खास। एंड फर्स्ट पेज का जो ओप्पो का कलर OS 7.1 लिख के दिखा रहा था वहाँ पर, इसका अपडेट देख सकते हैं आप। यहाँ पर शो कर रहा है इंग्लिश वर्जन में, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो कि इंग्लिश में शो कर रहा है, इसको भी पेस्ट करके दिखा देंगे। एंड हम बात करें कुछ इसके अपडेट के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यार कि इसका अपडेट यहाँ पर जो कुछ चेंज होने वाला है, आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि 01 शो कर रहा है अल्ट्रा विजन इंजन। ये क्या कुछ होने वाला है अभी तो हमें नहीं पता है, बट ये कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं HDR वीडियो, और उसके बाद वीडियो मोशन इन्हेंसमेंट, तो इसमें जो शो कर रहा है वीडियो मोशन इन्हेंसमेंट, और उसके बाद ऐसे कुछ फीचर शो कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन पैनल भी कुछ चेंज किया गया है, आप लोग अपना नोटिफिकेशन पैनल देखेंगे तो हम लोगों का सर्कल में है, और इनका जो है आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा चार कोने में दिख रहा है। तो ऐसे कुछ चेंज होने वाले हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मोबाइल डाटा का कुछ एक्सेस कर रहा है, जो कोई ऐप एक्सेस करता है इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है इसमें। तो ये कुछ अपडेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कलर OS 7.1 के अपडेट में। तो दोस्तों, यही कुछ फीचर ऐड होने वाले हैं कलर OS 7.1 के अपडेट के बारे में दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर जब हम फ्लाइट करते हैं, थोड़ा सा टाइम करके रिफ्रेश करता है, फिर उसके बाद ये आता है। तो दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया, अभी तुरंत आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ऐसे कुछ अपडेट होने वाले हैं रियलमी के फ़ोन में, जो कि 7.1 के अपडेट के साथ रियलमी UI 1.1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रियलमी UI 1.1 शो करने लगे आपको, जो कि रियलमी UI 1.0 शो कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ अपडेट होने वाले हैं रियलमी UI के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि Realme UI 2.0 के बारे में बात कर रहे थे, तो Realme UI 2.0 का अपडेट आपको 2021 में देखने को मिलेगा, जो कि Android 11 पर रन करता हुआ दिखेगा आपके फ़ोन में। तो दोस्तों, ऐसे कुछ बातें हैं Realme के फ़ोन में। और आपको यहाँ पर कलर OS वर्जन जो शो कर रहा है 7 शो कर रहा है, यहाँ पर आपको कलर OS 7.1 शो करने लगेगा, यहाँ पर Realme UI 1.1 हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी कुछ बातें हैं कलर OS 7.1 के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, वहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना।